आज मैं जा रहा हूँ अगेन इनवाइट पर प्रांजो प्रांजो, वो भी इफ्तार बफे करने। तो आए चलते हैं, देखते हैं कि इनका बफे कैसा है और एम्बियांस कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और आज हम फिर रमज़ान का इफ्तार करने के लिए बाहर आए हैं और प्रांजो के अंदर हैं हम लोग। और देखें प्रांजो में क्या क्या हमें सर्विसेज मिलती हैं। असल में इनका बफ़े आज स्टार्ट हो रहा है, बफ़े का स्टार्ट हुआ है। तो बफ़े सिस्टम कैसा है इनका और क्या क्या डिशेज उसमें मौजूद हैं वो हम आप कैप्चर करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइज, मैं अंदर आ चुका हूँ, तो चलें आइए देखते हैं कि इनका अंदर का एम्बियंस कैसा है और फूड अरेंजमेंट वगैरह कैसी है। तो आइए आपके साथ देखते हैं। गाइस अभी इफ्तार में थोड़ा सा टाइम है तो मैंने कहा चले आप लोग से बातें करते हैं। अच्छा, तो अभी इनका बफे में थोड़ा सा टाइम है, वो सेटअप हो रहा है क्या, और मैं ज़रा क्योंकि पंक्चुअल हूँ थोड़ा सा टाइम के अंदर, तो यही नहीं मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी कहीं जाता हूँ तो टाइम से टाइमली उनके यहाँ काम हो रहे होता है और मैं पहले पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पे भी यही हुआ है और मेरी मिसेज मुझसे बहुत गुस्सा हो रही है कि आप जल्दी लेके आ गए मुझे। तो यार क्या करें, मजबूर हैं हम भी टाइम पंक्चुअलिटी पे। यहाँ की आवाम सोई हुई आवाम है, टाइम पे कोई पहुँचता नहीं है और टाइमली कोई काम नहीं होता है इस कराची के अंदर। स्पेशली मैं आपको थोड़ा सा सेटअप का विज़िट करवा दूँ। इनका प्रांजो का स्टार बफे है, बफे है, और ये अभी इनका लग रहा है बेसिकली अभी सेटअप हो रहा है। तो जैसे ही ओपन होता है वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह हो रहा है, बारबेक्यू है यहाँ। टोटल इनका सिटिंग एरिया है, थोड़ी सी फैमिली बैठी हुई है तो मैं थोड़ा सा तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको। ये सैलेड वगैरह, सैलेड बार वगैरह है और थोड़ा सा ये बारबेक्यू है, बारबेक्यू इनका लाइव बारबेक्यू है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं इनके ओपन होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मेन्यू। मेन्यू में है फ्राइज, फ्राइज के साथ हैं आपकी फ्राइड फिश, फिश के साथ थोड़ी सी फिश ली। हाँ, प्लेट बना दें, प्लेटर अपना, और फिश के साथ हैं ये पकौड़ा चिप। और प्लेटर बनाते के साथ ही हो गया रोजे का टाइम और मैंने की खजूर से अफ्तार और ठंडे ठंडे रूह अफ़ज़ा के साथ। तो फाइनली गाइस मैंने अपना मील ले लिया है और लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है तो उसको थोड़ा थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग भी। और मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने लिए हैं प्रॉन्स, चिकन बाइट है इसका, चिकन बाइट करके कुछ है वो है, और कबाब हैं, बारबेक्यू आइटम है थोड़ी सी वो लिए हैं। और प्रॉन्स तो देखिए यार, प्रॉन्स का क्या एक जम्बो प्रॉन है, माशाल्लाह माशाल्लाह है ना। तो प्रांजो का अभी फेस करते हैं। वाओ, लुक्स वेरी गुड यार, डिलीशियस, लुक्स भी बड़े अच्छे हैं और टेस्ट तो ऑसम है। तो खाते हैं फटाफट। बहुत शुक्रिया गाइज आप लोग ने मेरी वीडियो देखने के लिए और इतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई लोकेशन के साथ। ये प्रांजो था, प्रांजो के अंदर मैंने आपको इफ्तार डिनर बुफे दिखाया, इनका आज ही स्टार्ट हुआ है ये इफ्तार बुफे का। तो आएँ, और बहुत रिजनेबल प्राइसेस हैं इनके, अच्छा 2400 प्लस टैक्सेस हैं तो बहुत रिजनेबल, और काफ़ी सारी डिशेज़ आपको इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और आएँ इंजॉय करें, चिल करें, बहुत ज़बरदस्त ओपन ईयर के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है। तो आएँ चिल करें और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के साथ आप यहाँ पे अपना इफ्तार करें। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड माय चैनल और एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। और गाइज मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह के ओनर मुश पजवानी साहब से।